करने से नहीं हो रहा था। ओके 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 हाँ, तो कोई असुविधा हुई होगी। आप सर। जेतु मेरी आवाज सुनाई दे रही है, यहाँ निशान पुरोहित जी की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। सर सर सब सुन पा रहे हैं नमो सर, आपको? प्रणाम सर, अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ, अभी आप अभिषेक, अभिषेक आपका, आपकी थोड़ी काली परछाई वाली तस्वीर आ रही है, फिर भी तस्वीर आपकी आ रही है। तो जी सर, अब आज घर पे हूँ, आज ऑफिस बंद है इस वजह से। ठीक है, कोई असुविधा नहीं, कोई असुविधा नहीं। और हमारे यहाँ है ना, खगेश्वर पति जी यहाँ आ गए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। खगेश्वर पति जी 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 हैं, सर, निशान बहुत ही पुरोहित बच्चे जी। हैं बहुत हाँ, सर। हाँ, असित पानी बहुत ग्राही जी हैं, अच्छा। वसुंधरा मेहर जी हैं, खगेश्वर पति दस जी सर, पंद्रह बहुत मिनट सारे हो गया विद्यार्थी हमने हैं। मीटिंग करते करते। कोई नहीं सर, कोई नहीं, 10-15 मिनट हम लोग एलाबरेट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा समय ले लेंगे, खींच लेंगे, कोई दिक्कत हाँ, नहीं कोई सर। असुविधा नहीं, क्योंकि मैं निशान जी ने 3:30 बजे कहा, तो मैं 3:30 बजे से तैयार हो गया हूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें। जी सर, जी सर, जी यस सर, यस शुरू करते हैं सर। स्वागत है सर हाँ, आपका। प्रणाम प्रणाम, आप शुरू कराइए, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे लोग जी सर, मैं इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे विद्यार्थियों से औपचारिक जो वार्तालाप होती है वो हो चुकी है, अब आप चाहे तो सीधा मूल विषय पे आते हैं, आके और अपने विषय को शुरू कर सकते हैं सर। अच्छा, तो औपचारिकता हो गई है। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ, तो अब हम लोग मूल विषय पर आएं, तो क्या बिल्कुल सर, होगा, बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए ज्यादा हित होगा। कुछ मतलब किसी प्रकार की जी औपचारिकता तो हम पहले से ही सबको ये सब औपचारिक धन्यवाद वगैरह दे चुके हैं। केवल थोड़ा जी सा जी मेरा विलंब हो गया, इसलिए दुख लग रहा है। मुझे लगा कि आज हो पाएगा कि ना हो कोई नहीं पाएगा, सर, तो 10 मिनट 15 मिनट जी, विलंब हो गया। इसके लिए सारे विद्यार्थियों से मैं माफी मांग रहा हूं। और इसी क्रम में, जैसे पिछली कक्षाओं में आप लोग उत्साहित होकर के हमारे साथ एक सार्थक संवाद आप लोगों ने किया था, आज भी इसी आशा के साथ कि आज का जो संवाद होगा वो भी सार्थक ही होगा, और इसी सार्थक संवाद में आप सभी को स्वागत करते हुए, जैसे कि मुझे विषय दिया गया है रीति काव्य, इस पर मैं अपना जो विचार है, जो मेरा अध्ययन है, उससे संबंधित आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा मैं कि ये रीति काव्य है क्या। इसके भीतर हम अवगाहन करेंगे, इसके भीतर हम प्रवेश करेंगे धीरे 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 धीरे। तो आप लोगों को सरलता से, सरल रूप से, विद्यार्थी के रूप में, मैं भी विद्यार्थी ही हूं, विद्यार्थी के रूप में कैसे हम रीति काव्य को समझें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो और कोई लंबी भूमिका नहीं बांधते हुए, जेहेतु मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है और मेरे उड़ीसा के तमाम विद्यार्थी, उड़ीसा मुक्त विश्वविद्यालय के तमाम विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और उत्साहित हैं, इसीलिए मैं प्रारंभ कर रहा हूं। विषय जैसे है रीति काव्य, तो इसके पहले हम लोगों ने भक्ति काव्य पर चर्चा कर ली है। भक्ति काव्य, जैसे कि आप सब चर्चा करके, भक्ति विषयक काव्य, भक्ति काव्य। तो रीति काव्य का सीधा सरल अर्थ है रीति का काव्य, रीति काव्य। किंतु इसमें जितना सरल हमको लग रहा है, इसे समझना उतना कठिन होगा, क्योंकि इसमें एक मुद्दा है, एक विषय शब्द है, जिसको खोलने की आवश्यकता है, जिसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। वो शब्द है रीति। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि रीति काल में लिखे गए काव्य रीति काव्य है। इसे रीतिकालीन काव्य क्यों नहीं कहा गया, जैसे भक्तिकालीन काव्य कहा गया। इस रीतिकाल में लिखे गए सारे काव्य को रीति काव्य
नहीं कहा गया है। विद्वानों ने कई अलग विभाजन भी इसको किए हैं। इसका पहला कारण यह है कि रीतिकाल में केवल रीति काव्य नहीं लिखा गया है। केवल रीति काव्य में वीर काव्य भी आते हैं, रीति काव्य में भक्ति काव्य भी लिखे गए, रीति काव्य में रीतिकाल में नीति के काव्य भी पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा रीति काव्य पाए जाते हैं। इसलिए एक अनुभाग दिया गया है, वो है रीति काव्य। जैसे कि मैं कह रहा था, रीति से संबंधित काव्य रीति काव्य है, रीति का काव्य रीति काव्य है। तो यहां रीति को समझने का प्रयत्न किया जाए। जैसे रीति के लिए रीति की व्याख्या व रीति शब्द का अर्थ कम से कम तीन अर्थ है। रीति भारतीय काव्य शास्त्र का एक संप्रदाय विशेष है, जिस संप्रदाय का प्रवर्तक वामन है, उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्यस्य, ये रीति का पहला अर्थ है। रीति का दूसरा अर्थ है मार्ग, मार्ग रास्ता, यानी कि काव्य शास्त्रीय मार्ग, पंथा, रीति पंथा सह, ये भी कहा गया है। रीति को मार्ग भी कहा जाता है। और रीति एक पद्धति विशेष है, एक शैली विशेष है, काव्य शास्त्रीय शैली विशेष। इसलिए रीतिकाल के नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल नाम दे दिया है, शुक्ल जी ने रीति काल नाम दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल नाम दिया है। अर्थात ये सब जानते थे कि रीतिकाल में काव्य शास्त्रीय पद्धति का अवलंबन हुआ है, फिर भी इनका नाम अलग अलग दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि रीति काव्य में श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचनाएं बहुल रूप से पाई जाती है। इसलिए रीति काव्य का एक नाम हम लोग दे सकते हैं, श्रृंगार काव्य या श्रृंगारिक काव्य। दूसरी बात है, रीति काव्य काव्यांग चर्चा परक लक्षण ग्रंथ है, जिसमें काव्य के सारे अवयवों की चर्चा की गई है, जिसमें काव्य शास्त्र में जो सिद्धांत पाए जाते हैं, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, नायक नायिका भेद आदि, श्रृंगार के भीतर इन सब की चर्चा होगी। तो रीति काव्य कुल मिलाकर वे काव्य है जिसमें रीति निरूपण की प्रवृत्ति प्रबल है। रीति निरूपण की प्रवृत्ति के कारण इन काव्य को रीति काव्य का नाम दिया गया है। ये पहला, तो इससे स्पष्ट होता है कि रीति काव्य में जो रीति निरूपण की प्रवृत्ति है, काव्य शास्त्रीय काव्यांगों की, काव्यांगों को, रस को, अलंकार को, छंद को लेकर लक्षण, उदाहरण और स्वतंत्र काव्य ग्रंथ लिखे जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वे सारे काव्य रीति काव्य कहलाते हैं। ये पहला समाधान। दूसरी बात, किसी भी काव्य राशि को समझने के लिए तत्कालीन जो युगबोध है, परिस्थिति, परिवेश को थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा, इंगित नहीं करने से भी हम लोग नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा उसको समझने की आवश्यकता है, जिसको हम परिस्थिति कहते हैं, युगबोध कहते हैं, परिवेश कहते हैं। तो रीतिकालीन परिस्थिति भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐसी परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों में जो पहली परिस्थिति है वो राजनीतिक परिस्थिति है। राजनीतिक परिवेश के दृष्टि से उस समय का जो शासक था
उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब के पहले मुगल शासन का वैभव आप लोग देख चुके हैं भक्ति काल में, और भक्ति काल के अंततः मुगलों में शाहजहां और जो दारा शिकोह जो धार्मिक प्रबण बादशाह थे उनके अंत करके औरंगजेब राजनीति जब समय संभाला तो क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन शुरू होने लगा। राजनीतिक दृष्टि से हिंदू राजवाड़ों और नवाबों का बोलबाला रहा, किंतु कुल मिलाकर राजनीतिक पतन, राष्ट्रीय पतन, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय बिखराव का समय रीतिकाल रहा। जेहेतु राष्ट्र बिखर रहा था, राजवाड़े बिखर रहे थे, नवाबों का बोलबाला था, औरंगजेब का एक छत्र शासन था, तो क्या हो रहा था, सामाजिक रूप में वह युग अधःपतन का युग था और उसमें सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतवाद का बोलबाला जहां होगा उस समाज में सामान्य जनता की स्थिति शोचनीय होगी। नारी संपत्ति थी और भोग की वस्तु थी, और यह सामंतवादी प्रवृत्ति सुरा सुंदरी और वेश्याओं से साथ, और तत्कालीन जो आचार्य गण थे वो काम कला के शिक्षक भर रह गए थे। मौज मस्ती का समय था, मनोरंजन का समय था, और क्या होता था, समाज में विश्रृंखला और एक शोचनीय स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में हमारा रीतिकाल खड़ा था। सांस्कृतिक दृष्टि से समाज में अंधविश्वास, बाह्याचार और मनोविनोद की प्रवृत्ति घर कर गई थी। मनोविनोद करना है, नारी उस मनोविनोद का बहुत बड़ी सामग्री बन गई थी, किंतु साहित्य और कला की दृष्टि से यह रीतिकाल पर्याप्त समृद्ध था। कारण साहित्यकार और कलाकारों को राजा श्रेय प्राप्त था, दरबारी संस्कृति का आश्रय या दरबार में उनको आश्रय मिला था, और राज्याश्रय मिलने के कारण कवि साहित्यकार और कलाकार स्वतंत्र रूप से भले ही नहीं किंतु राजा को खुश करने के लिए, बादशाहों को खुश करने के लिए पर्याप्त साहित्य लिखे, और वो इसीलिए उस समय साहित्यिक वातावरण पर्याप्त समृद्ध था। कवियों को राज दरबार मिलता था, सम्मान मिलता था। इसी चार परिस्थिति के बलबूते पर या इस व्यापकता के धरोहर पर रीतिकाल जो हिंदी साहित्य में खड़ा था वह साहित्यिक दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध था, और ब्रजभाषा साहित्य का काव्य शास्त्रीय रूप के प्रबल उदाहरण का सिरमौर था। अब प्रवृत्तिगत विशेषता या प्रवृत्ति दृष्टि से, विशेषताओं की दृष्टि से रीतिकाव्य को थोड़ा सा मूल्यांकन किया जाए, देखा जाए कि उस समय कौन कौन सी प्रवृत्ति थी जो रीति काव्य में पाई जाती है। रीति काव्य की जो प्रवृत्ति है, रीति काव्य की जो खासियत है, रीति काव्य की विशेषताएं क्या हैं, जिन विशेषताओं को लेकर हम लोगों को परीक्षा में लिखनी पड़ती है व चिंता करनी पड़ती है। तो रीति काव्य की पहली प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति है रीति निरूपण की व्यापकता। रीति निरूपण निश्चित रूप से काव्यांग निरूपण है, निश्चित रूप से लक्षण उदाहरण ग्रंथों की रचना है, ये रीति निरूपण है। इसमें आचार्य कवि हुए, इसमें रीति कवि हुए, इसमें ऋषि रीतिबद्ध कवि हुए। मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा, किंतु रीति निरूपण की जो व्यापकता है, रीति निरूपण क्या है, काव्य शास्त्र के सभी अंगों को लेकर लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखना,
काव्य शास्त्र के रस अलंकार आदि विशिष्ट अंगों को लेकर लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखना, अथवा रस विशेष को लेकर, छंद विशेष को लेकर, अथवा नायक नायिका भेद को लेकर लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखना। ये सब रीति निरूपण के अंतर्गत आते हैं, और रीति निरूपण की प्रवृत्ति यह व्यापक रही। और इसमें क्या हुआ, इसमें रस विलास जैसे काव्य, रस रास जैसे काव्य, लक्षण उदाहरण काव्य, ललित ललाम जैसे लक्षण उदाहरण काव्य हमारे सामने आते हैं। और लक्षण उदाहरण ग्रंथों की एक लंबी सूची पुस्तकों में मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तकों में तो लगभग 35 लक्षण ग्रंथों की और कवियों की सूची है, उससे भी अधिक है। तो यह एक प्रवृत्ति है जो रीति काव्य की एक व्यापक प्रवृत्ति, पहली प्रवृत्ति के रूप में हमारे सामने आती है, रीति निरूपण की प्रवृत्ति। दूसरी बात है, इन काव्यों में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति, श्रृंगार चित्रण की प्रवृत्ति भी व्यापक रूप से पाई जाती है। श्रृंगार रस के एक-एक पक्ष का, एक-एक अंगों का, श्रृंगार रस के अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, नायक नायिका भेद, आलंबन, उद्दीपन जितना कहिए, सबकी व्याख्या, सबके लक्षण और उदाहरण इन रीति ग्रंथों में पाए जाते हैं। तो जैसे कि रीति काव्य की प्रवृत्ति की चर्चा हो रही है, तो उसमें क्या आते हैं, उसमें कुछ कवि ऐसे आते हैं जिसको रीतिबद्ध कवि या आचार्य कवि या रीतिकार कवि के रूप में हम लोग उनको पढ़ते हैं। जैसे रीति के लिए चिंतामणि की एक उद्धृति में आपके सामने रख रहा हूं, वो है, रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुध अनुसार। रीति कवित्त की सुभाषा है, कवित्त की भाषा है। रीति मैं जो श्रृंगारिकता की बात कर रहा था, उस श्रृंगारिकता में आचार्य कवि भी आते हैं, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने सर्वांग निरूपक कवि के रूप में विचार किया है। मैं कह देना चाहता हूं, रीति कवि में, रीति कवियों के बीच सर्वांग निरूपक वे कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के सभी अंगों का निरूपण किया है, वो सर्वांग निरूपक कवि। जैसे चिंतामणि देव, कुलपति मिश्र, श्रीपति मिश्र, भिखारी दास आदि। रीति कवियों के भीतर कुछ कवि ऐसे आते हैं जो विशिष्टांग निरूपक कवि हैं, काव्य शास्त्र के रस अलंकार आदि विशिष्ट अंगों का निरूपण किया है, उससे संबंधित लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, जैसे मतिराम, ललित ललाम, तोष कवि, रसलीन कवि, पद्माकर का जगत विनोद, ये ग्रंथ आ जाते हैं। उसके बाद रीति कवियों में और एक कवि, और एक प्रकार के कवि आते हैं जिनको कहा गया है अलंकार निरूपक कवि, यानी कि उन्होंने अलंकार को महत्व दिया है और अलंकार का निरूपण किया है। ऐसे कवियों में एक नाम आते हैं, आता है, जिसका नाम है भूषण, उनके उनका ग्रंथ है शिवराज भूषण। भूषण ने उसमें शिवाजी की प्रशंसा करते हुए, प्रशस्ति करते हुए अलंकारों के लक्षण लिखे हैं, और उदाहरण में शिवराज की प्रशंसा लिखी है। जसवंत सिंह के भाषा भूषण भी इस प्रकार के काव्य हैं। रीति काव्य के भीतर एक कवि आते हैं जिनको कहते हैं छंद निरूपक कवि,
उन्होंने छंद शास्त्र को लिया, पिंगल निरूपक, छंद निरूपक, और छंद शास्त्र पर उन्होंने लिखा। मुरलीधर भूषण, मतिराम, राम सहाय ऐसे कवि हैं जिनको छंद निरूपक कवि कहते हैं। अर्थात ये जितने कवि हुए, जिस प्रकार के कवि हुए, ये सभी कवि रीतिबद्ध कवि हैं। इनको आचार्य कवि कहा जा सकता है, इनको रीतिकार कवि कहा जाता है। तो रीति काव्य पर बार बार जो आ रहा है, रीतिबद्ध रीतिबद्ध, ये रीतिबद्ध क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जो हिंदी साहित्य का अधीन है, उसमें चर्चा की है। तो रीतिबद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है और संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों का निरूपण किया है। यानी कि रीतिबद्ध का सामान्य अर्थ है रीति में पूरी तरह आबद्ध, रीति में पूरी तरह बंधा हुआ। यानी कि काव्य शास्त्र की चर्चा करना, काव्य शास्त्र लक्षण और उदाहरण ग्रंथ लिखना उनका उद्देश्य ध्येय है, ये रीतिबद्ध कवि। दूसरी कोटि की कवि है रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध का सामान्य अर्थ है वे कवि जिन्होंने रीति में सिद्धि पाली किंतु लक्षण उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखे, ये है रीति सिद्ध कवि। यानी कि काव्य शास्त्र में प्रवीण है, काव्य शास्त्र की सारी पद्धतियां उनको, पद्धतियों का ज्ञान है, किंतु उन्हें स्वतंत्र रूप में कोई लक्षण उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखा। जैसे बिहारी, बिहारी का नाम आता है रीति सिद्ध में, उनकी जो बिहारी सत्सई है उसमें काव्य शास्त्र के रस, अलंकार, छंद, ध्वनि, जो सिद्धांत है, सारे सिद्धांत के उदाहरण आपको मिलेंगे, किंतु उसमें लक्षण नहीं लिखे गए हैं। तो रीति परंपरा का ज्ञान रखते हुए भी वे कवि जिन्होंने कोई लक्षण उदाहरण ग्रंथ स्वतंत्र रूप में नहीं लिखा है, वे रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। यानी कि रस, अलंकार आदि के अनुसार उन्होंने उत्कृष्ट काव्य की रचना की है किंतु लक्षण उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, वे रीति सिद्ध कवि हैं। रीति काव्य का एक बहुत बड़ा पक्ष और बहुत बड़ा मूल्यवान पक्ष रीति मुक्त कवियों को लेकर है। रीति मुक्त कवि, रीति काव्य के सबसे बड़ी विशेषता रीति मुक्त कविता की विशेषता है, क्योंकि उसमें प्रेम का जो चित्रण है, बिरहा का जो चित्रण है, स्वानुभूति का जो चित्रण है, भोगे हुए यथार्थ का जो चित्रण है, वो आगे के काव्य राशि को प्रभावित करता है। तो रीतिमुक्त काव्य वे काव्य हैं जिनके कवियों ने किसी प्रकार के लक्षण उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। इस धारा के कवियों ने स्वयं प्रेम किया, इसको प्रेमी कवि या प्रेम के, प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। ये कवि स्वयं प्रेम किए हैं एक नायिका के साथ और उसी नायिका से वो अलग भी हो चुके हैं, वियोग हो चुके हैं, और उसी वियोगावस्था में
अपनी जो प्रेम की पीड़ा है उसको लिखे हैं। इसके सिरमौर उदाहरण हैं घन आनंद, जिसको प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये रीतिकाल के रीतिमुक्त जो काव्य है, इस काव्य के चार बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। मैं थोड़ा सा रीतिमुक्त को समझाने का प्रयास करूंगा मेरे विद्यार्थियों को। रीतिमुक्त मतलब जो पारंपरिक काव्य शास्त्रीय पद्धति चली आ रही थी रीतिकाल में, उसको ग्रहण नहीं करना, उससे मुक्ति पाना, उससे अलग काव्य लिखना, कोई लक्षण उदाहरण ग्रंथ नहीं लिखना, रस से संबंधित कोई काव्य नहीं लिखना, किंतु अपनी अनुभूति का चित्रण ऐसा करना है जिसमें रस अनायास आ जाते हैं। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष के या वियोग श्रृंगार के एक से बढ़कर एक उदाहरण आप गणानंद के कवित्व में पाएंगे। तो रीति मुक्त कविता स्वानुभूति की कविता है। रीति मुक्त काव्य कवियों की आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है। जैसे घनानंद का सुजान सागर लो, विरह लीला लो, घनानंद के कवित्व जो संग्रहित पाए जाते हैं, घनानंद कवित्व, उसको उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। आलम की जो काव्य है वो लिया जा सकता है, आलम केली। बोधा का बिरह बारिश, एक काव्य को भी लिया जा सकता है। ये सब रीतिमुक्त काव्य के उदाहरण हैं। तो रीतिमुक्त काव्य रीतिबद्ध रीति सिद्ध जैसे काव्य शास्त्रीय पद्धति से मुक्ति का काव्य है, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति का काव्य है, स्वच्छंद और अकृत्रिम प्रेम का काव्य है। रीतिमुक्त काव्य में प्रेम की पीड़ा है। रीतिमुक्त काव्य पढ़ते हुए हमें भी एक छंद याद है घनानंद के संबंध में, मैं आपके सामने रखता हूं। घनानंद को सामान्य आदमी नहीं समझ सकता है। घनानंद माने हमारे जो रीतिबद्ध काव्य है, इसको सामान्य रूप से नहीं समझा जा सकता। नेहि महाब्रजभास को प्रवीण, सुंदरतानि के भेद को जाने, जोग वियोग के रीति में को विधि, भावना भेदे स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिगो हियो, पिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद रहे सदा, सोघन जी को कवित्त बखाने। यानी कि घनानंद के कवित्त समझने के लिए महाप्रेमी होना पड़ेगा। श्रृंगार के दोनों योग वियोग यानी कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में पारंगत होना पड़ेगा। भावना भेद, हमारी जो भावनाएं हैं इसके जितने भेद हैं, स्थाई भाव, इन भेद को जानना पड़ेगा। और ब्रजभाषा का प्रवीण होना पड़ेगा, ब्रजभाषा में उसका दखल होना चाहिए, होना होगा। और क्या है, वो स्वच्छंद व्यक्तित्व होना हो तब वो घनानंद की कविता एक कवित्व को समझ सकेगा। यानी कि रीतिबद्ध रीति मुक्त कवि कवियों की रचनाओं को समझने के लिए ब्रजभाषा का ज्ञान आवश्यक है, प्रेम का ज्ञान आवश्यक है, श्रृंगार रस का ज्ञान आवश्यक है। अंततः इसीलिए रीति जो मुक्त है, इस काव्य में पहली विशेषता के रूप में है
इसमें स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति हुई। आप लोगों को याद होगा, हमें याद, पढ़ते रहते हैं हम लोग, अति सूधो स्नेहों को मार्ग है, जहां नैकु बांकपन नैकु सयानप बांक नहीं। यानी कि प्रेम का मार्ग अति सूधो है, अति सीधा है, उसमें टेढ़ापन और सयानपन वहां नहीं जलेगा। यानी कि प्रेम अकृत्रिम हो, स्वच्छंद हो। घनानंद की कहानी तो सभी लोग जानते हैं, सुजान नामक जो दरबार में नर्तकी कहते हैं, कई लोग बेशिया कहते हैं, सुजान नामनी नर्तकी के साथ उसका प्रेम हुआ, किंतु सुजान नहीं मिली, अंततः वह सुजान कृष्ण हो गए। कृष्ण यानी कि भगवान, सुजान का नाम निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के लिए, जो सभी सबके ज्ञाता सर्वज्ञ के रूप में सुजान माना जाता है, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, जो सब जगह है, ईश्वर वाचक नाम सुजान हो जाता है। तो घनानंद भी सुजान में उस सुजान को पाते हैं, कृष्ण को पा जाते हैं। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी कथाएं हैं। तो उसमें रीति मुक्त काव्य में स्वच्छंद प्रेम और अकृत्रिम प्रेम का चित्रण पाया जाता है। इस काव्य की एक बहुत बढ़िया दूसरी विशेषता यह है, आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों की जो पाठ्य सामग्री है उसमें लिखा होगा, विरह की प्रधानता, विरह यानी वियोग श्रृंगार का चित्रण। तो इससे पता चलता है कि रीतिमुक्त जो कवि हुए हैं वो वियोगी हुए हैं। घनानंद आलम बोधा ठाकुर, किसी को उनकी जो प्रेयसी है प्राप्त नहीं हुई है, प्रेयसी नहीं मिली है, इसीलिए ना विरही हुए हैं और अपने विरह का चित्रण किया है। एक देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी का एक मैं उद्धृति यहां देता हूं, जो मेरे सामने है, आपको ये होगा। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी पैमाने में मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है, जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। देखिए, ये रीतिमुक्त कवियों के विरह के लिए रामचंद्र शुक्ल जी का एक बहुत बड़ा कथन है। यानी कि जो इसका अर्थ यह है कि रीतिमुक्त काव्य में जो वियोग या वियोग श्रृंगार के जो चित्रण पाए जाते हैं, वो प्रशांत हैं, वो गंभीर हैं, वो भीतर की हलचल है, हृदय के भीतर है, पीड़ा है, प्रेम की पीड़ है वो। इसके बाद मैं जैसे बता रहा था स्वानुभूति का चित्रण, आगे चलकर छायावाद में जिसको हम स्वानुभूति की विवृति कहते हैं, यही स्वानुभूति का चित्रण घनानंद के काव्य में, कवित्त में, रीतिमुक्त कवित्त में, काव्य में पाए जाते हैं। तो स्वानुभूति क्या है? जो भोगा, भोगा हुआ जथा, जिसने जैसा अनुभव किया है, उस अनुभव का अनुभव अनुभव का वर्णन, उस अनुभूति का चित्रण, यह है स्वानुभूति का चित्रण। यानी कि घनानंद के जो कवित्त कहे जाते हैं वो स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है, उसमें घनानंद की अभिव्यक्ति है। यानी कि घनानंद सुजान से बिछुड़कर सुजान के विरह में जो दशा स्वयं भोग रहे थे, उसी को ब्रजभाषा में उन्होंने लिख दिया है। जैसे एक यहाँ एक उदाहरण है, वो सारे उदाहरण तो आप लोगों की जो स्टडी मटेरियल्स है उसमें होंगे, उदाहरण देखेंगे, मैं उदाहरण को पढ़ूंगा तो फिर थोड़ा सा
विलंब हो जाएगा। और एक जो प्रवृत्ति रीतिमुक्त काव्य में पाई जाती है वह है सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य किसका? सुजान का, प्रेयसी का, नायिका का। नायिका का सौंदर्य चित्रण इस काव्य में पाए जाते हैं, किंतु ये स्थूल सौंदर्य नहीं है, उसमें भावनाएं जड़ी जड़ित हुई हैं। सूक्ष्म सौंदर्य, उसके बाह्य और अंतर, बाह्यभ्यंतर के सौंदर्य का चित्रण रीतिमुक्त काव्य में पाए जाते हैं। रीतिमुक्त काव्य में प्रकृति के चित्रण भी है, किंतु उसमें सबसे बड़ी प्रवृत्ति के रूप में आती है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, यानी कि लाक्षणिक भाषा, उसमें सपाट बयानी नहीं है, उसमें लाक्षणिकता है। लाक्षणिकता यानी कि रीतिमुक्त काव्य के समान विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। यानी कि इनकी जो काव्य भाषा है, लाक्षणिक भाषा, भाषा के लेखक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं की को थी। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी अन्य कवि के नहीं। कहना यह है कि ब्रजभाषा में लाक्षणिक प्रयोग रीतिमुक्त कवियों की विशेषता है। और इन्होंने क्या लिखे? कवित्त लिखे, कवित्त सवैया। इस कवित्त सवैया को मुक्तक काव्य के अंतर्गत लिया जाता है। हर कवित्त स्वतंत्र अर्थ द्योतक है, स्वतंत्र अर्थ दे पाता है, तो ये मुक्तक काव्य की रचना में ये थोड़ी क्या होता था कि उसमें जिस दरबार में रहते थे वहां जो मुगल शासक या जो शासक थे वो शासक पारसी साहित्य से प्रभावित थे, पारसी संस्कृति से प्रभावित थे। जैसे मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में घनानंद रहते थे, तो घनानंद के काव्य में पारसी का प्रभाव होना स्वाभाविक है। यानी कि रीतिमुक्त काव्य की जो काव्य की शैली में जो प्रभाव अगर दिखाई पड़ता है तो कवित्त सवैया में लिखते हैं किंतु पारसी का प्रभाव है ना, प्रेम के वर्णन में कहीं कहीं पारसी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं रीति मुक्त कविता की ज्यादा चर्चा मैं कर रहा हूं, उनकी प्रवृत्तियों की चर्चा कर रहा हूं कि रीति मुक्त काव्य ऐसी काव्य राशि है जिसका प्रभाव आगे स्वच्छंद रूप से आधुनिक कविता पर सीधे प्रभाव पड़ी है, चाहे वो छायावाद की कविता को आप लोग क्यों ना लें। तो इसी प्रकार रीतिमुक्त काव्य रीति काव्य का एक प्रमुख पक्ष है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसमें प्रेम की प्रधानता है, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है, अपने अनुभूत अनुभूत सत्य को कवियों ने स्वर दिया है। ये रीति काव्य के विषय में है। अब ऐसा है कि विद्यार्थियों से रीति काव्य के लिए, जैसे मैं कह रहा था कि जो रीति निरूपण की प्रवृत्ति, देखिए रीति निरूपण की प्रवृत्ति मतलब उसमें सभी प्रकार कहीं से भी उदाहरण हम लोग दे सकते हैं और उसमें काव्य शास्त्र की सभी पद्धतियों का समावेश आ सकता है। और जेहेतु यह इतिहास है, इसमें तथ्य तो देने पड़ेंगे। तथ्य के लिए काव्य ग्रंथों के नाम, कवियों के नाम याद करने पड़ेंगे, किंतु कुल मिलाकर जो चिंतामणि, भूषण देव, भिखारी दास, कुलपति, पद्माकर, ये
सब कवि है, जो रीति निरूपण के कवि कहलाते हैं। एक प्रश्न बार बार उठाया जाता है बिहारी के संबंध में, क्योंकि बिहारी को रीतिबद्ध कवि भी माना गया है और रीति सिद्ध कवि भी माना गया है। रीतिबद्ध के अंतर्गत जो रीतिकार कवि, जिन जो आचार्य कवियों से अलग माने जाते हैं, आचार्य कवि एक अलग प्रकार के कवि है, बिहारी आचार्य कवि नहीं है। आचार्य कवि वे कवि हैं जो काव्य शास्त्र की शिक्षा देने वाले हैं, और रीतिकार कवि वे हैं जो काव्य शास्त्र का ज्ञान रखते हुए उसके अनुसार अच्छे काव्य, उत्कृष्ट काव्य लिखे हैं। बिहारी ऐसे कवि हैं, इसलिए बिहारी को रीतिकार कवि कहा जाता है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। और कभी कभी प्रश्न आता है रीति सिद्ध कवि के रूप में बिहारी का चित्रण कीजिए, बिहारी का मूल्यांकन कीजिए। बिहारी इसीलिए रीति सिद्ध हैं कि उनकी जो बिहारी सतसई है उसमें केवल श्रृंगारिक रचनाएं नहीं है, केवल श्रृंगार की रचनाएं नहीं है, श्रृंगार से संबंधित रचनाएं सबसे ज्यादा है। श्रृंगार के इतर नीति है और भक्ति है, रीत नीति है और भक्ति है। तो बिहारी की रचना यानी बिहारी की सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है, इसीलिए बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। कि रीतिकाल में श्रृंगार के कवि पाए जाते हैं, रीतिकाल में नीति के काव्य पाए जाते हैं, और रीतिकाल में भक्ति काव्य भी पाए जाते हैं। बिहारी अकेला ऐसा कवि है जिसके 717 दोहे में भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे पाए जाते हैं, इसीलिए बिहारी को रीतिकाल की प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। चलते चलते एक प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, फिर आप लोग सारे प्रश्न पूछेंगे तो फिर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। ये रीतिकाल जो है, बा रीतिकाव्य जो है, इसके प्रवर्तक कौन है, रीतिकाल का प्रवर्तन कौन है? क्योंकि जानते हैं अब तक मैंने बहुत सारे नाम लिए किंतु केशव दास का नाम नहीं लिए। आप लोगों को यह सुनकर थोड़ा सा अटपटा लगता होगा कि केशव दास जो इतने बड़े कवि हैं उनका नाम नहीं लिया सर ने। इसका उत्तर यह है कि केशव दास भक्ति काल के अंतिम सीमा रेखा में पैदा हुए थे, उनके लेखन भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं किंतु उसमें रीति की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि केशव दास ने जो रसिक प्रिया, काव्य प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया जो लिखी, यह लक्षण उदाहरण ग्रंथ है, एक आचार्य कवि के ग्रंथ हैं। इसीलिए केशव दास रीतिकाल के भीतर पैदा नहीं होकर भी रीतिकाल के प्रथम आने से पहले सीमा रेखा भक्तिकाल के अंतिम छोर पर रहकर केशव दास ने ये जो काव्य लिखे हैं उनके काव्य में लक्षण उदाहरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनके जो रामचंद्रिका है उसमें श्रृंगार रस का वर्णन आदि जो वर्णन है स्वतंत्र रूप से वो भी पाए जाते हैं। उनके और एक काव्य जो है हिम्मत बहादुर, यानी क्या बोलते हैं, हिम्मत बहादुर बिरदा बोले तो दूसरा का है, और एक है जिनके राज दरबार में वो थे, प्रशस्ति काव्य या वीर काव्य। तो केशव दास
की रचनाओं में प्रशस्ति काव्य भी पाए जाते हैं, वीर काव्य भी पाए जाते हैं। वो रचना का नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, भूल रहा हूं थोड़ा सा उस रचना का नाम। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और एक जो प्रशस्ति काव्य है वीर काव्य है, तो इन सभी में रीतिकाल आगे रीतिकाल रीतिकाव्य लिखने की प्रवृत्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और यहीं से रीतिकाव्य का रीतिकाल का प्रणन होता है, प्रवर्तन होता है। इसलिए केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। तो कुल मिलाकर रीति काव्य रीति निरूपण का काव्य है, रीति काव्य रस अलंकार छंद नायक नायिका भेद आदि के अनुसार उत्कृष्ट काव्य रचना का काव्य है। रीति काव्य घनानंद आलम बोधा जैसे प्रेमियों की स्वानुभूति का काव्य है रीति काव्य, और यह ब्रजभाषा के लाक्षणिक प्रयोग का काव्य है, ब्रजभाषा के काव्य शास्त्रीय स्वरूप का काव्य है, और हिंदी साहित्य में इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। रीति काव्य जिस प्रकार भक्ति काव्य में एकमात्र प्रवृत्ति थी, उसी प्रकार रीति काव्य में भी एकमात्र प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को खोल खोल करके हम गौण प्रवृत्ति बा उसके भीतर प्रवृत्ति के कई शाखा प्रशाखाओं को हम ढूंढ सकते हैं, किंतु रीति काव्य काव्य शास्त्रीय पद्धति का, काव्य शास्त्रीय मार्ग विशेष का, काव्य निरूपण काव्यांग निरूपण का काव्य है, और हिंदी साहित्य में यह बहुत प्रचुर है। ब्रजभाषा में काव्य लिखने की ऐसी प्रचुरता इसी युग को जाती है, सभी ने एक ही भाषा को अपनाया, वो भाषा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में काव्य के लक्षण उदाहरण भी पाए गए, ब्रजभाषा में बिहारी के दोहे भी पाए गए, और ब्रजभाषा में घनानंद के कवित्व भी पाए गए। इसीलिए आगे के कवि जो हैं इससे प्रभावित रहे। एक दोहा आपके सामने सामने सुनाता हूं, जो है समुझी कविता तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये रीति काव्य में चिंतामणि लिखते हैं कि कविता समझ में आ गई तो कविता है, नहीं तो यह राधिका कन्हाई नायक नायिका जो है उनके स्मरण करने का बहाना है। कहना यह है कि ये आचार्य कवि अपना पांडित्य प्रदर्शन, अपनी काव्य शास्त्रीय समझ, अपना आचार्यत्व ये सब दिखाते थे, और राजाओं का मनोविनोद करते थे, राजा श्रेय में रहकर खूब पैसा पाते थे, खूब सम्मान पाते थे, राजाओं का मनोरंजन करते थे, और स्वतंत्र काव्य भी लिखते थे, और ये सब पंडित आचार्य कवि थे ही थे, और रीतिकाल की रीति जो प्रवृत्ति है इसके पोषक। तो इस प्रकार रीतिकाव्य एक स्वतंत्र अस्तित्व का काव्य है, और हिंदी साहित्य में इसकी स्वतंत्र पहचान है। जिस प्रकार भक्ति काव्य को अलग कर देंगे तो हिंदी साहित्य की आत्मा मर जाएगी, उसी प्रकार रीति काव्य को अगर हम अलग कर देंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से, तो हिंदी साहित्य का जो पांडित्य प्रदर्शन, जो आचार्य परंपरा है, वो आचार्य परंपरा खत्म होगी। तो संस्कृत में जिस प्रकार आचार्य कहलाते हैं, उसी प्रकार ये सारे कवि देव चिंतामणि आदि आचार्य कबीर, भिखारी दास आदि आचार्य कवि हैं, और यही रीति काव्य का एक एक परिचय आपके सामने है। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रश्न करेंगे और उसी प्रश्न के अनुसार फिर हम लोग भीतर चले पाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्यार्थियों के साथ जैसा मैं कहता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके व्याख्यान के द्वारा। तो
तो सर मैं सबसे पहले तो विद्यार्थियों का प्रश्न से शुरुआत करूंगा। तो विद्यार्थियों को जो सबसे शुरुआती प्रश्न उन्होंने जो पूछे हैं उन्हें पहले मैं आपके समक्ष रखता हूँ। पहला प्रश्न एक विद्यार्थी पूछते हैं कि स्मृति काल को अलंकृत काल क्यों कहा जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं उसका उत्तर दे दूं, उत्तर दे दूं जी सर, इसका। आप उत्तर दीजिए फिर दूसरा प्रश्न। और जी सर निश्चित। हाँ, जैसे आप थोड़ा सा रुक जाएंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा। रीतिकाल को अलंकृत काल क्यों कहा जाता है? देखिए, इसका उत्तर सामान्य उत्तर है, एक साधारण उत्तर। रीतिकाल में अलंकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अलंकरण के कारण इसको अलंकृत काल कहा गया है। अलंकृत एक क्रियात्मक शब्द है, अलंकृत का अर्थ है अलंकृत करना, अलंकरण करना। अलंकरण का अर्थ है समस्त काव्य शास्त्रीय तत्व को समाहित करना, केवल अलंकार को नहीं। इसीलिए इस काल को अलंकृत काल कहा गया है। अलंकार की चर्चा तो है, केवल अलंकार तक सीमित नहीं। और यदि काव्य शास्त्र की ओर अगर हम चलेंगे तो अलंकार को काव्य की आत्मा मानी गई है। इसीलिए कि अलंकार में रस के सारे अवयव आ जाते हैं, और बाहरी जो अलंकार है उसके ही अवयव आ जाते हैं। अर्थात रीति काव्य में अलंकरण की प्रवृत्ति काव्य शास्त्र को लेकर लिखने की प्रवृत्ति पाई गई, इसलिए इस काल को अलंकृत काल कहा गया है। अलंकार काल नहीं, अलंकार काल कहा है अलग कोई लोगों ने। अलंकृत मतलब काव्य शास्त्रीय तत्वों का अलंकरण इन काव्यों में है, इसीलिए इसको अलंकृत काल कहा गया जी सर निश्चित रूप से सर। इसी क्रम में सर मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ। एक विद्यार्थी एक छोटा सा जस्ट आम से प्रश्न वो पूछते हैं कि अभिप्राय का क्या अर्थ होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग अभिप्राय। बात करते हैं किसी का संदर्भ देते हैं। जी, शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं अभिप्राय, तो वो उसी पे कंफ्यूज है, वो पूछ रहे हैं अभिप्राय का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। हाँ, अभिप्राय का अर्थ अर्थ है माने, जिसे हम माने कहते हैं, माने उसको कहते हैं। जैसे इसका माने यही है तो उसको शास्त्रीय शब्द में इसका अभिप्राय क्या है ये कहा जाता है। ये सामान्य अर्थ है, थोड़ी गहराई से मैं इसको समझाता हूं। देखिए, प्राय जो है उसके आगे अभी, उसके आगे अभी उपसर्ग लगा है, अभी। यानी कि हमारे भीतर जो चेतना है, जो अर्थ को ढूंढने की बात है, वो विशिष्ट हो, वो विशेष हो। यानी कि किसी विशिष्ट अर्थ की विवृत्ति, किसी विशिष्ट अर्थ की ओर जाने की प्रवृत्ति अभिप्राय है। केवल माने अभिप्राय नहीं है, है ना? अभिप्राय एक शास्त्रीय शब्द है, इसका एक पारिभाषिक अर्थ यह है कि अभिषेक का अभिप्राय क्या है, मतलब अभिषेक शब्द का अर्थ क्या है यहां नहीं है। यानी कि मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, अलंकार का अभिप्राय क्या है। तो अलंकार का अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ अलंकार का माने क्या है तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ थोड़ी गहराई से जाए तो अलंकार का काव्य में क्या महत्व है, अलंकार कितने प्रकार के हैं, अलंकार क्या है, अलंकार के लक्षण क्या है, ये सब को जब हम किसी को समझाते हैं तो इसका अर्थ होता है अलंकार का अभिप्राय। यानी कि अभिप्राय का अर्थ होता है केवल माने तक नहीं, केवल अर्थ तक नहीं, उसकी भीतरी छायापट या भीतरी जो क्रियात्मक रूप है, भीतरी जो पारिभाषिक पटल है, उसको जब हम सामने लाते हैं तो उसको हम अभिप्राय कहते हैं। ये अभिप्राय का अर्थ है।
जी सर, निश्चित रूप से इससे विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा, और विद्यार्थियों ने धन्यवाद भी लिखा है आपको कि उन्हें इसका अर्थ समझ में आ गया, सब क्लियर हो गया। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर और दूसरे प्रश्न लेते हैं। रीतिकाल को और क्या क्या काल के नाम से जाना जाता है? विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि रीतिकाल के अन्य नाम क्या है, उन्हें किन जी अन्य किन किन नामों के आधार में, किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, रीतिकाल को कहते हैं कलाकाल, रीतिकाल को कहते हैं श्रृंगार काल, रीतिकाल को अभी अभी आप लोगों ने कहा अलंकृत काल, रीतिकाल को कहते हैं अलंकार काल, अलंकार काल, और एक काल नाम दिया है उत्तर मध्य काल। मध्य काल का जो उत्तर भाग है इसलिए उत्तर मध्य काल, कलाकाल, रीतिकाल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल, ये रीतिकाल के कई नाम हैं। जी सर, मैं उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों क्लियर हो गया होगा उनका ये प्रश्न। हाँ, विद्यार्थियों धन्यवाद भी लगातार बीच बीच में लिख रहे हैं। और भी कुछ प्रश्न? प्रश्न बहुत हैं सर, मैं एक एक करके पहले बहुत प्रश्न उठा लेता हूँ है, उसके वो बाद। बहुत आज खाना पीना नहीं बनाए, सब खा पी करके हैं, जितना पूछ सकते हैं पूछिए। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ, एक विद्यार्थी ने लिखा है लक्षणिक मूर्तिमत किसे कहा गया है? लक्षणिक, मैं विद्यार्थी से मैं खुद कंफ्यूज रहा हूँ क्या लिखे हैं वो। हाँ लक्षणिक, लक्षणिक तो समझ में आता है, ये हाँ लक्षणिक मूर्तिमत किसको कहा गया है? हाँ लक्षणिक पूर्ति मत, हाँ, नहीं ये लक्षणिक पूर्ति तो समझ में आ रहा है, उसके आगे मत क्यों जोड़ा है, किंतु लक्षणिक पूर्ति वही तो हो तो मैं जाए। अभी उसलिए तो मैं खुद जी, लक्षणिक पूर्ति तो सब मत किसको कहा गया है, मैं इसमें प्रकट, लक्षणिक पूर्ति तो समझ में आ रहा है सर। अगर वो विद्यार्थी हो, स्वप्ना साहू जी ने प्रश्न किया, अगर आप प्रश्न एक बार क्लियर कर दे स्वप्ना जी, अपना माइक को अनम्यूट करके तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि लाक्षणिक पूर्ति का अर्थ में, क्यों तो लाक्षणिक पूर्ति बात नहीं, लाक्षणिक पूर्ति है ये शब्द है, जी, स्वप्ना साहू जी, समझा। अगर आप जी जी नहीं, मैं उनको कह भी देता हूँ, अगर उनको प्रश्न अगर दोबारा रखना हो स्वप्ना जी, तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके रख सकती हैं। हाँ रख सकते, कोई असुविधा नहीं, लाक्षणिक पूर्ति का अर्थ है, किंतु लाक्षणिक पूर्ति बात कहने से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, पूर्ति मत उन्होंने लगा दिया, इसलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलिए कोई नहीं हाँ सर, हम लोग लक्षणिक पूर्ति पर बात करते हैं आगे, वो अगर अपने प्रश्न रखने की लाक्षणिक दुविधा तो मैं रखता हूँ। पूर्ति का सीधा अर्थ है लाक्षणिकता, लाक्षणिकता का अर्थ है शब्द शक्ति से सीधा है, शब्द शक्ति के तीन शक्ति होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो लाक्षणिकता या लाक्षणिक पूर्ति का सीधा संबंध लक्षणा शब्द शक्ति से है, जिसको कहा जाता है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, इसे लक्षण, जिसे लक्षणिकता कहते हैं। यानी कि मैं बता देता हूं, एक शब्द है गधा, वो गधा शब्द का सामान्य यानी कि अविधा अर्थ है एक पशु विशेष, किंतु उसका लक्षण क्या है, मूर्खता। गधा शब्द का जो दूसरा अर्थ है मूर्खता, यह उसका लाक्षणिक अर्थ हुआ, तो इसे लाक्षणिक पूर्ति कहते हैं। कविता में शब्द शक्ति के दूसरी जो शक्ति है लक्षणा, इसका खूब प्रयोग हुआ है, इसको लाक्षणिक पूर्ति कहा गया है काव्य शास्त्र में, और इसको लाक्षणिकता भी कही गई है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग जो हम रीति काव्य में पाए जाते हैं, रीति मुक्त काव्य में पाते हैं, उसमें क्या है, उसमें शब्द की दूसरी शक्ति से हमको काम लेना है। वहां जो सुजान के बारे में जो कहा गया है कि हे सुजान, जो कहा गया सुजान को, वो केवल घनानंद के सुजान तक सीमित नहीं है, वो सुजान का यहां लाक्षणिक अर्थ है प्रेयसी। हम भी किसी को अगर प्रेम कर रहे हैं, हमारी प्रेयसी है, वो भी हमारे लिए सुजान है, जैसे घनानंद के लिए सुजान, इसे कहते हैं लाक्षणिकता या लाक्षणिक पूर्ति।
जी सर, जी सर, उम्मीद है विद्यार्थियों को अपना उत्तर मिल गया होगा। इसी क्रम में आगे जी बढ़ते हुए सर प्रश्न और लेते हैं विद्यार्थियों ने प्रश्न, चूंकि कई पूछे हैं। हाँ, एक विद्यार्थी पूछते हैं, रवि जी, उन्होंने पूछा है कि रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल जी ने आचार्य केशव को न मानकर चिंतामणि को माना है, इसका क्या हाँ कारण रहा है कि चिंतामणि को उन्होंने माना है? हाँ ऐसा है, इसका एक साधारण अर्थ है, इसमें विवादित है। देखिए, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को नहीं माना कि केशवदास भक्ति काल के अंतर्गत हुए थे, रीति काल के अंतर्गत नहीं। और चिंतामणि भक्ति काल के प्रथम पर्याय के आचार्य हैं, जो रीति काल के भीतर पैदा हुए थे, और उनके ग्रंथ में रीति निरूपण की प्रवृत्ति केशवदास से भी बढ़कर है, इसीलिए उन्होंने चिंतामणि को प्रवर्तक माना। किंतु अन्य विद्वानों का सहारा लेते हुए सबके अगर सारांश कह जाए तो केशवदास इसीलिए प्रवर्तक ठहरते हैं, भले ही कालखंड, क्योंकि जानते ना, साहित्य को काल विभाजन जो करते हैं उसको समझने के लिए करते हैं। साहित्य की प्रवृत्ति को समझने के लिए उसको काल में खंड खंड किया गया है, नहीं तो केशवदास ऐसे पहले आचार्य कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र निरूपण, काव्यांग निरूपण को दिशा दी, इसीलिए वो प्रवर्तक ठहरते हैं, और चिंतामणि रीतिकाल के पहले आचार्य कवि समझते होते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के भीतर चिंतामणि को पाया है, इसलिए चिंतामणि त्रिपाठी को उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है। किंतु वो सही यह है, आलोचना गवेषणा यह कहती है, अनुसंधान यह कहता है कि चिंतामणि त्रिपाठी रीतिकाल के पहले आचार्य कवि हैं, और रीतिकाल का जो प्रवर्तन है, रीति काव्य का प्रवर्तन, वो केशवदास की कविता से व काव्य से हुआ है, ये इसका उत्तर है। जी सर, वो एक दौर था जब हम देखते हैं आदिकाल भक्ति के लिए रीतिकाल देखते हैं, हाँ तो उस समय हाँ एक अवधि भी जो थी 200, 250 या 300 वर्षों की थी, लेकिन जब बिल्कुल हम बिल्कुल आधुनिक काल को जब हम तोड़ते हैं तो वहां पे कहा 20 वर्ष, 25 वर्ष छायावाद के उपरांत, देखिए छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, तो आधुनिक हाँ काल, हाँ इधर हम देखते तो मात्र 10, 15, 10, 15, 20 वर्षों का अंतराल रहा है। हाँ ऐसे ही जी सर, आगे बढ़ते हैं सर, और कुछ प्रश्न है उन्हें पहले ले लेते हैं। एक विद्यार्थी रीति काल के प्रमुख कवि और उनके रचनाओं के बारे में पूछते हैं। हाँ रीति काल के प्रमुख कवि कोई एक कवि नहीं है, रीति काल के प्रमुख कवि बहुत लोग आते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था पहले ही, रीति काल में क्या है, रीति के आचार्य कवि, रीति निरूपण के कवि, जिसमें चिंतामणि, भूषण देव, भिखारी, कुलपति, पद्माकर आदि। इसके बाद बिहारी, तोस, नवलीन, सेनापति आदि। उसके बाद घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। यानी कि इतना लंबा लिस्ट है, क्योंकि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग पक्ष में अलग अलग हुए हैं। जैसे हम भिखारी दास को, चिंतामणि त्रिपाठी को हम रीतिमुक्त नहीं कहेंगे, रीतिबद्ध में करेंगे। तो रीतिबद्ध कवियों की एक लंबी सूची है, रीति सिद्ध कवियों की भी लंबी सूची है, चार कवि आते हैं, तोष, नवलीन, सेनापति और बिहारी, और ये चार कवि आते हैं रीतिमुक्त कवि। तो ये इनकी एक कवियों की सूची है, और इनकी रचनाएं रीतिकाल की रचनाएं, भाषा भूषण, रस भूषण, जगत विनोद, पद्माकर का, ललित ललाम, सेनापति का राम रसायन आदि, घनानंद का विरह बारिश, सुजान सागर, विरह लीला कविताएं, बिहारी की बिहारी सतसई, बृंद सतसई, है ना, गिरिधर कवित कहे, गिरिधर कविराय, गिरिधर कवित, कुंडलियां, इसका ज्यादा प्रसिद्ध गिरिधर की कुंडलियां, ये सब उनकी रचनाएं हैं। जी सर,
मैं एक प्रश्न और उठाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक विद्यार्थी ने जो प्रश्न पूछा है मैं आपके समक्ष रखता हूँ। वो पूछती हाँ है कि रीतिमुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिवत हाँ कवियों से किस प्रकार भिन्न है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, साधुवाद प्रश्न के लिए। देखिए, रीतिबद्ध कवियों ने जो प्रेम चित्रण किया है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत प्रेम का चित्रण किया है। वहां प्रेम नहीं है, वहां श्रृंगारिकता है। और रीतिमुक्त में जो प्रेम का चित्रण है ये श्रृंगार नहीं है, प्रेम है। यानी कि रीतिमुक्त कवि स्वयं प्रेम का अनुभव किया है, स्वयं एक प्रेमी है, इसलिए उसने अपने भोगा हुआ प्रेम का चित्रण उसने किया है, जहां प्रेम है और उस प्रेम में अनायास श्रृंगार आ गया है और उसमें वियोग श्रृंगार की प्रबलता है। और रीतिबद्ध कवि जो है उन्होंने प्रेम नहीं किया है, उन्होंने श्रृंगार को लिखा है और श्रृंगार चित्रण करते समय उसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का उदाहरण दिया है। सारांश यह है कि रीतिमुक्त कवियों के प्रेम में जीवंतता है और रीतिबद्ध कवियों के प्रेम में स्थूलता है। उसमें वर्णन के लिए वर्णन है और इसमें अनुभव का वर्णन है, ये दोनों का अंतर है। मिनट, पानी ले देता हूं। जी जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, पूछिए पूछिए। वो पानी सामने था, ले लिया। अरे कोई दिक्कत नहीं सर। आप विद्यार्थियों पूछिए। का से जो मुख्य प्रश्न जो थे, यहाँ पे कुछ समाप्त हो गए हैं। मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि इसके उपरांत अगर उनका कोई भी मन में प्रश्न या कोई भी द्वंद अगर रह गए हो तो वो अपने माइक को अनम्यूट करके सीधे सीधे तौर पर सर से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप तो आमंत्रित करता हूँ अपने माइक को अनम्यूट करके अपने जो भी प्रश्न है वो सर के समक्ष आप लोग सीधे सीधे रख सकते हैं। एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया है, पहले मैं उसे ले लेता हूँ, उसके बाद विद्यार्थियों आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछिएगा, क्योंकि अभी अभी एक विद्यार्थी ने प्रश्न लिखा है कि दरबारी कवि किसे कहते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनिए, दरबारी कवि, दरबारी कवि आपको तो पहले जो आप अगर मेरे पहला व्याख्यान सुने होंगे आदिकालीन काव्य, वहां भी दरबारी कवि थे, है ना। और ये दरबारी कवि रीतिकाल में बहुत हुए, रीतिकाल में बहुत दरबारी कवियों की संस्कृति रीतिकाल में रही। दरबारी कवियों का सीधा अर्थ है वे कवि जिसको राज दरबार प्राप्त हो, यानी कि राज कवि। किंतु ये राज कवि जो रीतिकाल के जो राज कवि हैं, ये क्या करते थे, ये अपने अपने आश्रयदाता राजाओं को खुश करने के लिए श्रृंगारिक काव्य लिखते थे, क्योंकि रीतिकाल में युद्ध कम हुआ। रीतिकाल का एक बहुत बड़ा युद्ध यदि हुआ, औरंगजेब और शिवाजी का युद्ध हुआ, हाँ, और छत्रसाल के साथ भी औरंगजेब का युद्ध हुआ। औरंगजेब के साथ लड़ाई जहां जहां हुई है ना, क्योंकि औरंगजेब दरबारी कवियों को नहीं रखा था, शिवाजी के दरबार में भूषण जैसा कवि था, इसीलिए शिवराज भूषण लिखा। कहना यह है कि वे कवि जिनको राज दरबार प्राप्त हुआ है, राजा के दरबार में एक सम्मानित पद के साथ वे सुशोभित होते हैं, उनको दरबारी कवि कहा जाता है। उनकी प्रवृत्ति राजाओं के की इच्छाओं से जुड़ी हुई है और उससे स्वतंत्र भी है। जैसे देखिए, भूषण दरबारी कवि, केशव दास दरबारी कवि, ये दोनों तो दरबार के लिए प्रसिद्ध हैं। और एक प्रसिद्ध दरबारी कवि है बिहारी, बिहारी भी दरबारी कवि, जयसिंह, राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी रहते थे और एक एक दोहे के लिए एक एक सोने का सिक्का पाते थे, तो दरबार को सुशोभित करते थे, राजा की प्रशंसा भी करते थे, राजा के मनोरंजन भी करते थे श्रृंगारिक काव्य लिखकर, और स्वतंत्र काव्य लिखते थे। रीतिकाल के दरबारी कवियों की यह प्रवृत्ति थी, यानी कि रीतिकाल में जिन कवियों को राज दरबार मिला है वो राजाओं की खुशामद नहीं करते थे,
वो स्वतंत्र आसन को सुशोभित करते थे और सम्मान के साथ जीते थे। रीतिकाल के राजाओं ने कवियों का सम्मान बढ़ाया है और कवियों को खूब धन दिया है। कवि बहुत खुश थे, पालकी पर कवि चलते थे। ये दरबारी कवियों की संस्कृति है। जी सर, धन्यवाद सर। इसके उपरांत मैं विद्यार्थियों को आमंत्रित करूंगा कि अपने प्रश्न तौर पर अगर सर से कुछ पूछना हो, हाँ कुछ हाँ उनके अगर रह गए हो तो सर से पूछ सकते हैं सीधे तौर हाँ पर सर के रीतिकाल में समक्ष। बहुत प्रश्न नहीं बनता है। हाँ जी 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 सर, रीतिकाल क्योंकि एकदम सपाट है ना, लिखा यही रीति सिद्ध रीतिबद्ध रीति मुक्त। हाँ इसमें कहीं ज्यादा उलझाव नहीं है। नहीं विद्यार्थियों को सर जानते हैं, मतलब क्योंकि हम भी विद्यार्थी रहे हैं और ज्यादा हाँ समय भी नहीं हुआ कि विद्यार्थी जीवन और ये जीवन जीते हुए, तो जो सबसे ज्यादा दिक्कत हाँ जानते हैं कहाँ आती है, विद्यार्थी दुविधा में इस यहाँ पर जाते हैं कि लोग जब रीतिकाल रीतिमत रीतिमुक्त ये जब पढ़ते हैं ना, तीनों में उन कई बार कई सारे बुक जब उठा के पढ़ेंगे ना तो एक नाम हाँ दो नाम कॉमन आ जाते हैं कि ये रीतिमुक्त हाँ में भी दिख गया रीतिमत में भी दिख गया, तो विद्यार्थियों का कंफ्यूजन वहां क्रिएट हो जाती है, ऐसे में रीतिमत में रखू जी रीतिमुक्त में रखू, जी ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन एक आ जाता है विद्यार्थियों के मन में। सर असित पाणिग्राही दिखाई दे रहे हैं, जी सर, असित पाणिग्राही का नाम दिखाई पड़ रहा है। निशान पुरोहित जी हैं, आप हैं। जी जी सर, सर कई लोग हैं सर, विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं, नीचे धन्यवाद भी लिख रहे हैं लगातार आपको। हाँ। एक विद्यार्थी वसुंधरा मेहर जी, आपसे अनुरोध है कि क्या होता है जब हम लोग इंग्लिश में टेक्स्ट लिखते हैं तो कई बार थोड़ा हिंदी के में समझ में नहीं आता है, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करके सीधे तौर पर अपने प्रश्न सामने रख दें, क्योंकि आपने पिछला भी प्रश्न किया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज लगता है। जी जी सर के सामने हेलो, रखते हैं तो। जी जी हेलो सर, सर, नमस्ते नमस्ते सर, सर, नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। शुक्ल जी ने लक्षणिक मूर्तिमत्ता किसे कहा है? ओ लाक्षणिक मूर्तिमत्ता। हाँ, किसे कहा है? हाँ। देखिए शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ अगर उठाएंगे तो उसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता क्या है, घनानंद को उन्होंने कहा कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता है। रीतिमुक्त कवियों की चर्चा करते हुए घनानंद के विषय में उन्होंने लाक्षणिक भाषा की मूर्ति कहा है उसको। ये एक ही लाइन में इसका आंसर है। हाँ बोलिए, इतना ही है। आपके प्रश्न व्याख्यात्मक नहीं है, आपके प्रश्न तथ्यात्मक है। जी सर, सही बात है सर। करने की यहां जरूरत नहीं है ना। विद्यार्थी ने एक प्रश्न लिखा, मैं पहले देख लूँ उन्होंने क्या एक प्रश्न लिखा है। वो लिखते हैं, रीतिकाल लॉन्ग क्वेश्चन का पॉइंट इट मींस हेडिंग कैसे बना? कुछ नहीं सर, छोड़िए, हाँ ये विद्यार्थियों को परीक्षा के लेकर के सारी चीजें नहीं पॉइंट। परीक्षा ही है। देखिए जी जी उनको मैं परीक्षा के लिए तीन प्रश्न बताता हूं, तीनों प्रश्न आएंगे। पहला है रीतिकाल के नामकरण और रीति काव्य की प्रवृत्ति। रीतिकाल के नामकरण करते हुए रीति काव्य की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, रीतिबद्ध कवियों का परिचय दीजिए और रीतिबद्ध कवि जो काव्य है उसकी प्रवृत्तियों का को रेखांकित कीजिए, दो प्रश्न। तीसरा प्रश्न, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि रूप में बिहारी का मूल्यांकन कीजिए। चौथा प्रश्न, रीति मुक्त काव्य का परिचय दीजिए और उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। ये चार प्रश्न तैयार कीजिए, रीतिकाल खत्म। नहीं, उन्होंने प्रश्न जो किया है ना सर, वो मुझसे मुझसे उस सीधे तौर पर प्रश्न है उनका कि रीतिकाल का अगर लॉन्ग क्वेश्चन कोई आता है तो मतलब किस तरह बिंदु बना करके बिंदु बार तरीके से क्या क्या पॉइंट डाले, क्या हेडिंग लिखे, वो अच्छा एक हाँ जी नहीं, सर वो रीतिकाल प्रश्न कैसे आता है उसी का बिंदु बार बता दूंगा। अगर मान लिए वो प्रश्न बताएंगे तो ना बिंदु बार बताऊंगा। रीतिकाल पर तो प्रश्न नहीं आते हैं कि रीतिकाल का लिखिए तो आपका 5 घंटा वहीं खत्म हो जाएगा। वही ना, विद्यार्थी ने सिर्फ रीतिकाल लिखा, रीतिकाल को हम लोग एलाबोरेट कर तो उसे हम लोग 50 पेज में भी खींच सकते हैं अगर एलाबोरेट हाँ करने बैठ गया तो। रीतिकाल को अगर करेंगे तो इसके लिए भी बता देता हूं। पहला बिंदी होगा
बिंदु होगा रीतिकाल का नामकरण, दूसरा होगा रीतिकाल का रीति काव्य का विभाजन, तीसरा बिंदु होगा रीति काव्य की प्रवृत्तियां, और चौथा बिंदु होगा रीतिकाल व रीतिकालीन काव्य का महत्व। खत्म, यही है रीतिकाल। उम्मीद है विद्यार्थियों का कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। जी सर। सर विद्यार्थियों के तो अब प्रश्न है नहीं, मैं एक प्रश्न नहीं अपने एक जिज्ञासा के तौर पर आपके समक्ष कहते हैं जिज्ञासा बिन होने से तब खुलता है रास्ता। जी, सर वही मैं रखना चाहता हूँ। मैं पूछ ये रहा था कि जब हम लोग बात करते हैं आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि की तो आमतौर पर बात हो जाती है, यहाँ पे से सांस्कृतिक अगर हम पृष्ठभूमि देखें रीति काल की तो सामाजिक पृष्ठभूमि तो हम लोग देख सकते हैं कि एक दरबारी का जो कल्चर था दरबारी काव्य का यहाँ पे कुछ ज्यादा विस्तार हो गया इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर धार्मिक तौर पर भी जो हम लोग द्वंद या जो देखते हैं वैष्णव वैष्णव भक्ति काल में वो यहाँ पे उतना ज्यादा उग्र रूप में नहीं दिखता है। यहाँ की सर अगर हम बहुत लोग बात करते हैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी उस रीति काल की। बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया, आपको बता देता हूं। ए भाई, यहां एकदम समझना पड़ेगा कि समाज और संस्कृति में भिन्नता नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। जी सामाजिक परिस्थिति में जो है वो हमारे आचरण पर, हमारी संस्कृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सामाजिक पृष्ठभूमि के बाद सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आती है। और संस्कृति क्या है? हमारा दैनंदिन जीवन व्यवहार ही तो हमारी संस्कृति है। हम जो व्यवहार करते हैं वही हमारी संस्कृति है। मनुष्य जीवन के दैनंदिन जीवन का जो व्यवहार, जो कला साधना, जो विद्या साधना, ये हमारी संस्कृति है। तो यहाँ कहना है कि समाज और संस्कृति में अन्यानुसृत संबंध है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित संबंध है। तो समाज से संस्कृति आश्रय पाती है। तो सांस्कृतिक परिवेश में क्या आएगा? साहित्यिक परिवेश, कला साहित्य और कला का जो परिवेश है, और धार्मिक चिंताधारा, जो धर्म भावना है। तो रीतिकाल में साहित्य और कला को तो मजबूती मिली, धर्म को कम मजबूती मिली। बहुत कम लोग थे जो धार्मिक थे। जैसे मैं बता देता हूं, सेनापति का एक काव्य है राम रसायन और गंगा लहरी। सेनापति के बारे में कहा गया है, जब वो श्रृंगारी काव्य लक्षण ग्रंथ काव्य लिख करके ऊब गए, तब उन्होंने राम रसायन लिखा। इस प्रकार पद्माकर भी है, पद्माकर की गंगा लहरी के संबंध में ऐसी कथा है। तो कहना यह है कि रीतिकाल के कवि और जनमानस जब भोग से मनोरंजन से ऊब जाते थे, तब धर्म की ओर प्रवृत्त होते थे। इसीलिए यहां धार्मिक परिस्थिति गौण है, कला और साहित्य की जो परिस्थिति है एकदम बोलबाल है। कला क्या है? कला मनोरंजन है। कला में क्या है? संगीत का नहीं, केवल चित्रकला। साहित्य में दरबारी संस्कृति का साहित्य। तो इसीलिए सारे काल में क्या कहा जाता है, जहां जिसकी प्रमुखता है उसे प्रमुख रूप से उस परिस्थिति का चित्रण करते हैं। जैसे देखिए भक्ति काल में सांस्कृतिक परिस्थिति बहुत प्रमुख है, धार्मिक परिस्थिति बहुत प्रमुख है, किंतु रीति काल में राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति प्रमुख है, और साहित्य का जो बोलबाला है। यहाँ धर्म थोड़ा सा गौण है, इसलिए इसमें धार्मिक काव्य पाए गए, वैष्णव काव्य और कुछ भक्ति काव्य पाए गए, किंतु गौण रूप से, वो प्रमुख रूप से नहीं पाए गए। कारण यही है कि जब इतिहासकार किसी परिस्थिति विशेष विशेष का चित्रण करता है, परिस्थिति विशेष को वो इतिहास में जगह देता है, तो कौन सी परिस्थिति प्रमुख थी उसका विस्तार हुआ था उसे पहले लिखता है। जैसे आदिकाल में राजनीतिक परिस्थिति और रीतिकाल में राजनीतिक परिस्थिति, ये प्रमुख परिस्थिति है। ये इसका उत्तर इस प्रकार हमको समझना पड़ेगा।
नहीं तो सारी जी परिस्थितियां ऐसा है कि मैं जो बैठा हूं मेरे भीतर धर्म भावना नहीं है, ऐसी बात नहीं है, किंतु मेरा जो कर्तव्य है अभी कर्तव्य प्रमुख है। अभी हम जिस दौर में हम पूरे भारतवासी गुजर रहे हैं, इस सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना और अपनी जान की सुरक्षा करना, ये पहला पहली प्रमुखता है, बाद में हम पूजा पाठ करेंगे। तो ये समाज में इतिहास में इस प्रकार हम देखेंगे तो ये हमारा समाधान हमें मिलेगा, हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। जी सर, निश्चित रूप से सर। नहीं, सर जी आप प्रश्न पूछते हैं, चिंता भावना करके पूछते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपका नहीं, प्रश्न गवेषणात्मक है, आपका प्रश्न तथ्यात्मक और सूचनात्मक नहीं है, उसमें जी व्यक्ति को जी ढूंढना पड़ेगा तब आपका उत्तर दे सकेगा। सही बात सर, धन्यवाद। निश्चित रूप से सर। जी सर, नहीं इसी बात आप इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आपके क्लास के मुझसे ज्यादा विद्यार्थियों बहुत उत्साहित रहते हैं। एक विद्यार्थी ने अभी मुझे चैट बॉक्स में लिखा भी है कि असीम जिज्ञासा की अटल सागर में अगर आप जैसे गुरु मिल जाएं सबको, जीवन की कठिनाइयां सहज हो जाए क्षण भर में। अरे धन्यवाद आपको लिखे एक नमस्कार, विद्यार्थी ने। नमस्कार। उनकी है भाई, उनकी भावना है, उनकी भावना का मैं सम्मान कर रहा हूं। और मैं कैसा, क्यों जानते हैं ना, आप जब अभिषेक जी, मैं देख रहा हूं दो चार क्लास से आप किसी प्रश्न को उठाते हैं तो गवेषणात्मक होता है, उसमें हमें गवेषणा करने की आवश्यकता होती है, उसमें तथ्य तथ्यात्मक सूत्रात्मक प्रश्न नहीं है कि अमुक का नाम बता दीजिए, अमुक काव्य के लेखक का नाम बता, नहीं, ये जो प्रश्न आपने उठाया था ये पूरा गवेषणात्मक है कि रीतिकाल में सांस्कृतिक परिस्थिति का नाम क्यों नहीं लिखा गया है, जी, गवेषणा करने की आवश्यकता है, इसमें तैयारी होना चाहिए, जो अध्यापक तैयार करके रहेगा वही दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकेगा, बोलेगा नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, ये नहीं, क्यों नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है कि उस समय की संस्कृति जो है वो संस्कृति गौण हो गई थी, है ना, उसमें सामाजिक अधःपतन की बात थी, उसमें क्या बोलते हैं कि क्या जिसको कहा जाता है हमारे राजनीति में उसे क्या कहते, सामंतवाद, सामंतवाद आप प्रमुख था, जहां सामंतवाद प्रमुख होगा वहां संस्कृति क्षय होगी ही होगी, वहां सामाजिक अराजकता होगी ही होगी, जहां मतलब सामंतवादी लोग प्रमुख होंगे वहां संस्कृति कराएगी। तो रीतिकाल की यही परिस्थिति थी, रीतिकाल में धार्मिकता को पनपने नहीं दी, धर्म की धज्जियां उड़ाती गई, सब मनोरंजन है, मनोरंजन के लिए साहित्य लिखते थे, है ना, कविता समझ में आई तो कविता है, नहीं तो राधा कृष्ण का बहाना है उसको याद करने का, हाँ वहां कोई भक्ति नहीं है। तो ये गवेषणात्मक है, बहुत धन्यवाद, आपका जी सर बहुत चिंतन करना पड़ा। नहीं, बात भी सही है सर। जैसे सूत्रात्मक हो गया या तथ्यात्मक हो गया, वो तो हम एक या दो को एक पुस्तक उठा ले, वहां हमें मिल गया बिंदुवार तरीके से, लिख लिया उसे याद कर अध्यापक का लिया। काम यही है, अध्यापक जी जी सूचना सब जगह है, मैंने जी जो किया, आप डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक उठाइए और हिंदी साहित्य का अतीत उठाइए, सारे नाम हैं, जी 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 सभी नाम वही है, रसलीन का नाम वही भी रसलीन है, भूषण का सर नाम वही भी भूषण है, किंतु रसलीन और भूषण में पार्थक्य क्या है, ये गवेषणा का विषय है। जी, वो गवेषणा करने के लिए सर हमें कम से कम 4-5 बुक किताबों का सहारा चाहिए, उसमें डूबना पड़ता है। इसलिए तो सर आपके समक्ष अपने गवेषणा वाले प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ, ताकि मुझे पता रहता है कि यहाँ पे मुझे जो भी मेरी जिज्ञासा है उसे यहाँ पे शांत कर दिया जाएगा, इसलिए आपके समक्ष रखना काम करता हूँ अच्छा लगता है आपकी जी जी जिज्ञासा ये तो अच्छा लगता है, हम भी सर। एक चेष्टा कर, विद्यार्थी ने सर एक विद्यार्थी ने अपने एक रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया है मुझसे कि आपको मैं आमंत्रित करूं और आपसे रिक्वेस्ट करूं, निवेदन करूं पाली भाषा पे एक कक्षा करने के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत। जी, पाली भाषा जी सर, पाली ठीक है, भाषा को लेकर के, और जो पाली की आदमी नेपाली पाली, भाषा, नहीं, पाली सर, नेपाली नहीं, पाली, पाली। हाँ, पाली जी प्राकृत अपभ्रंश, जी जी सर, तो उस पर चर्चा के लिए तो मैं विद्यार्थियों को कहूंगा कि निश्चित हम इस पर कक्षा रखेंगे और सर को ही आमंत्रित करेंगे। आपकी हाँ बात जो थी मैंने सर तक पहुंचा दी। बहुत अच्छी, ठीक है ठीक है, जिस जी पर भी सर, होगा।
जी सर, इसके उपरांत अगर विद्यार्थियों किन्हीं कोई द्वंद या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अन्यथा चूंकि समय भी हो रहा है तो आपके प्रश्न कुछ आ भी नहीं रहे विद्यार्थियों को, तो कक्षा समाप्त भी कर सकते हैं। तो अंतिम कुछ हाँ मिनट में देता हूँ, तो विद्यार्थी कुछ अपने प्रश्न हो तो सर के समक्ष रख सकते हैं। हाँ कुछ प्रश्न नहीं आ रहे, लग रहा सिर्फ विद्यार्थियों को समझ में आ गया आपके जो नहीं, विद्वान ऐसा है को। ना कि ऋतिकाल में ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। जी ऋतिकाल में क्या है ना कि बहुत मतलब सुलझा हुआ इतिहास हमें मिलता है। ऋतिकाल जी सर, जी सर, निश्चित रूप से। के बड़े बड़े पंडित हुए, रामचंद्र शुक्ल हुए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हुए, डॉक्टर नगेंद्र हुए, ऋतिकाव्य में लिखने वाले। तो इन लोगों ने बड़ा बहुत सुलझा करके लिख दिया है, कहीं नहीं उलझाया है। जी, सर इसीलिए इतिहास के ग्रंथ में ऋतिकाल को लेकर बहुत विवाद नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, हाँ निश्चित रूप से सर। जी हाँ सर, सर इसी के साथ अगर आपकी आज्ञा पर आज की हाँ क्लास कक्षा को हम समाप्त करते हैं। सर आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना हाँ समय दिया, और सर विशेषकर आपको, आपके लिए आशा है क्योंकि चक्रवात वगैरह जैसा आपसे कल चर्चा भी हो रही थी, और तुर्की, तो आप हाँ सर उसमें से सेफ रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। तो हमारे यहाँ दीघा में टकराएगी, आज रात टकराएगी। जी सर, नहीं यहाँ भी मौसम वगैरह थोड़ा सा बदला है, मौसम में परिवर्तन लिया है सर यहाँ भी। परिवर्तन थोड़ा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी हवाएं आ रही हैं, आज रात टकराएगी तो पूर्व उड़ीसा के कहीं उपकूल जो है ना, और हमारे जी इधर जी बंगाल तो ऐसा प्रभाव रहेगा, क्या रहेगा पता नहीं। जी सर, चलो एक सूचना ऐसी भी है कि संबलपुर में कोरोना नहीं था किंतु कोरोना का एंट्री हो गया है। देखिए जी सर, कल कल सुबह सर एक आप आया। सभी जितने संबलपुर में रह रहे हो, मेरे उड़ीसा के लोग सभी सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सभी जी सर, विद्यार्थियों को आग्रह है। जी सर, आप भी सर सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। इसी आशा के साथ, सुरक्षित जी सर, इसी आशा के साथ पुनः आपको एक बार सर धन्यवाद अपना प्रणाम समय देने के लिए सर, और इसी तरह सर अपना आशीष और समय हमें देते रहिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशु, आपके लिए समय एकदम स्थिर है, आप जब कहेंगे तैयार हो जाएंगे। हमको अच्छा लगता है आपके साथ, अच्छा लगता है आप बहुत अच्छे जिज्ञासु हैं, और ऐसा सब रखते हैं जो विद्यार्थियों के लिए लाभ होगा, मेरे लिए भी लाभ होगा, हर किसी के लिए लाभ होगा। जी सर, सर निश्चित रूप से विद्यार्थियों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने थोड़ा जागरूकता दिखाई। निशान पुरोहित नहीं कर पा रहे थे, हमारे सहयोग नहीं कर पा रहे थे, बाद में मैं किया। जी जी ठीक जी जी सर, तो निशांत को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो शुरू से अंत तक बने रहता है। तो निशांत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, विद्यार्थियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आप लोग अपने ओर से अपने इस क्लास को खत्म कर ठीक सकते हैं टेलीफोन पर। ठीक सर स्टॉप धन्यवाद कर दे, सर। धन्यवाद धन्यवाद, स्टॉप कर दे। थैंक यू निशांत। थैंक यू सर।